चैप्टर 14 ज्योमेट्री इट इज द लास्ट एक्सरसाइज 14.7 क्वेश्चन नंबर 1 इन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑल डेफिनेशन आर गिवन वे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ समझा चुका हूँ बता चुका हूँ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर और दिस इज ए सर्कल अब इस सर्कल का दिस इज ए सेंटर इस सेंटर से कोई आखिर कोड पासिंग हो रही है कोड माने जो किसी सर्कल के टू पॉइंट को मैच करे मिलाए उसे हम कहते हैं कोड अब ये जब क्रॉस हो रही है तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा चलो शिवम बताएंगे शिव डायमीटर तो हम यहाँ लिख देंगे कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर तो डायमीटर हम स्पेलिंग अपना लिख देंगे डायमीटर को हम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास हिंदी में व्यास कहते हैं इसको अब सेकंड क्वेश्चन द डायमीटर इज द लार्जेस्ट अब ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा कोड पहले वाला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे को थोड़ा चेंज करके पूछे गए हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे कोड कोड अब कोड को हिंदी में क्या कहते हैं जीवा कोड को हिंदी में जीवा कहा जाता है थर्ड क्वेश्चन सेमी सर्कल इज द सर्कल मंदिर खड़े जब कहा हाफ क्या आएगा इन द हाफ द सर्कल का हाफ है हाफ ऑफ द सर्कल सेंटर तभी तो कंप्लीट होगा ना सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल आ क्वाड्रेंट इज डैश ऑफ द सर्कल वन फोर्थ या क्वार्टर भी बोल सकते हैं वन फोर्थ ऑफ द सर्कल का वन फोर्थ अब देखिए ये तो आपका सेमी सर्कल है ये सेमी सर्कल है इधर का जो शेडेड पार्ट है ये सेमी सर्कल और ये पूरा का पूरा सर्कल अगर हम इसको ये कर दें तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इधर का ये वाला है वन फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल का वन फोर्थ पार्ट हमारा क्वाड्रेंट या क्वार्टर ठीक है ये बोलते हैं एन आर्क लाइक ऑन द चलो संधु के बराबर में अंजलि और संधु दोनों बताओ हाँ आप बताइए सर्कमफेरेंस ये जो हमारी है ये जो मैं घुमा रहा हूं देखो सब ये कोई आदमी यहाँ है और ये सर्कल पे घूमकर और इस प्रकार से घूमता ये यही आगे मिल जाता है तो ये जो हमने डिस्टेंस कवर करी इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस तो हमारा इसका आंसर क्या होगा सर्कमफेरेंस ही होगा सर्कमफेरेंस तो लिख लेंगे सब सर्कमफेरेंस को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं परिधि और वन राइट द ट्रू फॉल्स ए रेडियस इज ए कोड ऑफ द सर्कल रेडियस कोड नहीं होती फॉल्स अब एवरी सर्कल हैज ए सेंटर ट्रू द डायमीटर ट्वाइस ऑफ द रेडियस ट्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ए पॉइंट ऑफ द सर्कल फॉल्स बिल्कुल सही तो ये फॉल्स हो गया हमारा तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन सारे हो गए तो एवरीवन क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा ए सर्कल विथ द सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस 5 क्या करेंगे कंपास में एक 5 सेंटीमीटर हम पेंसिल कंपास की जो टिप होती है उसके बीच में रेडियस ले लेंगे और रेडियस लेकर इस प्रकार से मान लिया ये मेरा जो अंगूठा है थंब है इट इज ए टिप ऑफ द कंपास
और ये जो इंग उंगली बीच वाली ये मान लीजिए आपकी पेंसिल है, हम अपना ये लेते हैं और इस प्रकार से हमने इसको बना लिया ये। अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं तो हमारा सर्कल बन जाएगा ऐसे। अब हम इसको पेंसिल से कर लेते हैं, चौक से कर लेते हैं इस प्रकार से दिखाते हुए। तो ये तो हमारा सेंटर हो गया और इस प्रकार से आप सेंटर से एक सर्कल बना लो। सर्कल बन गया, इन्हें कहा ड्रा ए सर्कल विद द सेंटर ओ। अब इस सेंटर को क्या कहेंगे, ओ। ओ कह दिया एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। क्लियर। अब ये आगे कह रहा है मार्क पॉइंट ए बी सी डी ई। अब ये मार्क जो है इसके अंदर दिखाने हैं, कैसे दिखाएंगे, एंड एफ सच दैट। अब देखो इसमें यहाँ पर एफ आया है लेकिन इसके अंदर एफ नहीं था, ई था, इसलिए मैंने ई को क्या कहा, ई को एफ बनाने को कहा। भाई ऊपर से क्वेश्चन के अंदर एफ है और इसके अंदर एफ नहीं है, इसका अंदर क्या करा, इसने एफ को भी ई प्रिंट कर दिया था। ए एंड सी लाई ऑन द सर्कल, ए और सी कहा है सर्कल के ऊपर है, तो कहीं भी ले लो। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा ए हो गया एंड सी, सी यहां दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, पूरे सर्कल में कहीं भी दिखा सकते हो मर्जी, मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूं, ये आपका सी हो गया। क्लियर। अब ये कह रहा है बी एंड ई लाई इन द इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है अंदर, तो बी यहां दिखा दीजिए ये बी, और फिर ये वाला आपका है ई, ये पॉइंट हो गया ई, कोई प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है डी एंड एफ लाइव इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर, तो ये दोनों पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, तो डी यहां दिखा दो, कहीं दिखा दो, कहीं भी मर्जी है, और ऐसे ही आपका एफ भी कहीं दिखा दो, तो ये डी और ये आपका एफ, कोई प्रॉब्लम। पर इसी प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है और करना है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सब बच्चे ध्यान से सीख लो, प्रैक्टिस कर लो।